पैसा बैठ गया भैया। हाथ भैया बैठ जाइए। अब नौ हाथ कहक मतलब कि कारण भैंस बिया बर्धा के गाड़ सके। अब यह कुल कहत बात और कहलन कि तुहरे गाड़ी में हर पेल दे तो कहत बाकी ना ही बैठल तो कहा बैठो चाहे मत बैठो फाट तो जाई। तब फिर कनी का जोने से पिसबवा कहल कहल जाला वहू के ही लगलग कह दे। तो भैया हो तू नौ हाथ ना तेरह हाथ कहे में बात। अब वो कुल हमार कहल ना कहाई जोने हाथ कह गई ला कहे से कि अगल बगल देखबा तो माता बहिन होबे करी है। माइक मिलल हो स्टेज मिलल हो और जनता भाई यहाँ सुनता हो जब वही के बखानम कि हम फलाने में फलाना हर पेल दली तार फट गल तब वह बढ़िया लगी। और कोनो भाषा तो हाँ नहीं रहा प्रमाण देवे के यह हम कहल तब तू नौ हाथ बेसी भैल है। अब कहलन इो कहुआ कि हमके नौ दिन से आओ परत हो नही तो हम बोली तो तुहार कपार फट जात बतावा ले थीं खाली हम ही है कि हमारा कपार फट। और केहू नही हो बकचोद का खोपड़ी बांध ले ले है। हिलई न घोराए हिलई न घोराए। अब कहत हुआ हमके लोगन पुर्जा भी लिख के देना कि भैया केहू जाति प्रति न कुछ कहल जाए। आप ही सोचे गई बहू इस समाज के बात हो हम करीब करीब गौते भाई गौते हो गल करीब करीब 25-30 बरी। अब हमारे गणवा गांव गौत पेटो भर गल हो एक भाई साहब लिख के भेज दो कि केहू के नाम से आप मत कहल करा मत कुछ कहा। अगर ये सोच ले बहू कि चार भाई एक घर कही मगर चार नाम उनका रखल घोरही बदे कि चारों में जवन चोर हो वह पकड़ाई तीन थे बच गई है। जब नाम न रही तो घरों घरों को सजा हो जाए तो बतावा ले भैया कैसे हम गाई की जोने में नाम नहीं। देखिए हम सस भाई लिख के दे दे कि आप गावे जाए यह चीज जोने में जातिता न हो नाम न हो। अरे भाई साहब यह जो लिखा हुआ है पुराण लिखने वाले के आप गोली मार दे अखबार छापने वाले के गोली मार दे इतिहास लिखने वाले के गोली मार दे उसके पढ़ने वाले के आप गोली मारने वाले नहीं हो। अगर न्याय कहे चाहे जा तब और नहीं तोहरे घरे आई भाई भाई चाठे जनता में चिकड़े फेंकदा सब अपने अपने घरे भागी की काकर मार खाई तुम्हारे तोहरे दरवाजे पर हम आई नहीं चाहे जो करा हम तो घर से अकेले आई नहीं तोहरा बोलू ले ना। लेकिन आप लोग के समाज में ऐसे न कहे चाहिए कि कोई एक बात न हो। अब हम कहने कि बाभन एक को साइतन आ बतौलो सियार बतौलो जो हम कहे कि सियारे से ब्राह्मण गल गुजर हो ना तो हम अहमद को मार लगते बतिया समझल करा कि हम कहत का हूं कि ब्राह्मण सी साहित ना बतूला बतावत 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 बड़ा सियार जोने का कि निनकार में तो ससुर भाग जाए पता नहीं कहा थे उस साहित बताई आदमी के सामने गांव में कुकुर ना रहे कि जो उन बतावत रहे घूम के। का यार मजाक कैले बारह लोगों बिरहा से छिपल छिपल बात तो लोगों के बतेबे करी रहा हूं। अब ओके भाई बुरा लगे या अच्छा लगे लेकिन तो बुरा न लगे चाहिए लिखित न हो ओके बदे हमके दोषी बनाओ कि आप गलत क्यों बोल रही हैं। उसको मैं बर्दाश्त करूंगा आप हमको जूते से मारेंगे मैं उसको सहलूंगा। जो लिखी चीज है अगर उसको आप बंद कराएंगे तो गाना हो या न हो लेकिन हम गाएंगे जरूर। जनता के सामने झूठ बोलेंगे किसी के धोखा देंगे तो ओकर दोषी। अगर हमने कहले जनता वह काम फान दे तो जाके फंस जाए
तो समाज में झूठ न बोलना चाहिए भाई साहब। गौर करने की बात है, या रहना है इसके तो 100 वर्ष की कीमत है, मर जा कल मर जा अब मर जा एक चिंता हमके नहीं हो। हम आए आए कह भैया कि मानो से बढ़ के सियार रहल। वाह, हम जब कहब तो मानो से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। अब सुरबा सियार कुकुल लोमर हो जाए मानो से बढ़ के, कत बढ़िए जुलूम को बात बा हे भाई। अब सियारा हमने ले चले गई ब्याहे में अंगनी में। वाह, अरे भाई जब साहिब बताओ तो ब्याह चाहिए कि न कराई, जब काटे न ससुराई। जूते जूहे तमन्ना यसे में छुए। अच्छा भैया गामा पहलवान के आप लोग सुने हैं, अब यहां से रुस्तम पहलवान को सुनिए। जो रुस्तम हिंद था उसी समय विश्व में उसका कोई जोर नहीं था, लेकिन ला कैसे। अरे जूते जूहे तमन्ना यसे में छुए, हसी गुल चमन से निकल, सोया है मेरा मालिक कहा है, छोड़ कर अपने प्यारे वतन से निकल, साया काया जब दिल का तरंगे लगी, प्यार पाने को हो गया यकदम, ढूंढते जब वह माली मिला, दिया अनजाने अपने ही कर से मसला। रुस्तम ऐसा पहलवान था कि जब तक उनका गौना नहीं आया था, रुस्तम पहलवान का था दिन में तारा गिन लेता था। है कोई के जरूरत, कोई के जरूरत नहीं है मेरे साथियों, दिन में तारा गिन लेता था। जिस ओर तारा नहीं गिन पाया, अपने औरत के साथ प्रसर कर लिया, यही दिन वो कह दिया कि हमारे से बढ़कर कोई रुस्तम होगा। लड़का पेटे में बात तूफान बने लगे, अब भाई बच्चा को कोनो पता होता नहीं। दोनों प्राणी में बातचीत हो लगल कि भाई एकर फैसला कैसे हो के चाहिए, कैसे कत हुए। आए हारस के तेर रुस्तम का सोहरत बढ़ने लगी, नफरत पड़ने लगा, मायूस निगाहों में मायूस नजारे, घर आया अपने रुस्तम दरिया किनारे। किया जब उसका गहना आ गया तो रुस्तम अपने जब घर आया तो अपने औरत से प्रसर करने जब गए तो कहते क्या, अरे वाह क्या कहते हैं। जब प्रसर कर लिए तो फिर दिने तारा गिनत हुए तो तारा गिनायल नहीं। और सोच लीजिए कि इस कितना बड़ा कीमती चीज है, उसी दिन रुस्तम को याद आ गया कि आप तारा हमको दिन में लखाई नहीं दिया। तब उनकर स्त्री बोलत हैं, उनकर बीबी सा कि एक पतिदेव एक बात हमार सुना। कैसे बोली, अब भाव कवि को लेना पड़ा। नथनिया ने हाय राम बड़ा दुखी कहत हुए कि फिल्म गलत ना हो, मान ले ली गलत ना हो तो तोहरे कहले ना हो, हम ओके प्रमाण देते। आप लोग फिल्म में लिखल हो कि बादलों के साये में, बादलों के साये में चांद का बसेरा है। आप लोग गौर कर ले कि बादल ऊपर है आप चंद्रमा, फिल्म गलत है। चंद्रमा के साये में बादल का बसेरा, चंद्रमा न ऊपर हो ओ कर न छाया बादल पर पड़ी कि बदरवा पर पड़ी। नहीं बदरवा का यार भाई साहब, अरे राम राम तो हो का, हम कहीं कहां से तू चल लैला भाई, हम ही तो मिले के रला तू बार भैया।
अब तेरा हाथ तू बड़हरो बा है कौनो घरे में या तो बोलो करब भैया हो आए सजना से हाराम बोलता मीना सजना से हाराम बोलता मीना सजनवा सुहाराम बोली तहमीना तहमीना उनकी औरत का नाम भाऊ भैया आपे लोग के सेवा में अब कहने की भैंस बिया बर्धा के अभी कहीं कि करे भाई हम ही तो ही तो यहाँ गवैया है और हम तो के कहली तू हम के कहला तब तू भैंस हो गई ना हम हो गई नी बर्धा तू बियात बात हमार बार बदता बेकूफ ही बहन भाई हमारा तो दिमाग खट्टा कर दिए सजना से आराम बोलता मेरे मात्र में पलता तो लाल रंग कह रही है कि जो मेरे वत्र में बच्चा पल रहा अब भाई बहरे लड़का भाई यार दोनों प्राणी का झंझट शुरू हो गया उनका कहन की लड़का हुई तो चल के हम ले चले के लड़ाई हमसे बरियार पहलवान हुई और उनका कहन की ना ही जब लड़का हुई तो हम जही न दे तोरे संग है मार हो लगे लड़का भाई पेटे में बाव कर पता होता नहीं मेरे वात्र में उसे दिन छीना सजना से आराम बोली उनके कि बचपन में उनके मतलब जी है प्राणनाथ तो उनको तुम्हें सुना एक बात हमार सुन ला भैया तनी लड़कन के विषय में दोनों बच्चे दोनों प्राणी के बतियो सुनला कि लड़कन के विषय में लोग का सोच देला अपने दिमाग में आजकल का पहलवानी कहाँ हो जाने ला तब के जवानन का पहलवानी कहाँ रहा आजकल के जवानन का कहाँ पहलवानी आजकल के जवानन का पहलवानी बारे में हो बचल खुचल जवान हो तो उन्हें बेल बाटन में हो और वहू से बचल हो तो उन्हें नईकी गंजी में हो हीर के अब दुकानी पर पहुंच के घूमत हो कि ना हीरे बरवा लगा के टीका उका अब गांव में घूम गए हम के देखत हो कि यह पहलवानी लेकिन वो जवान कह रहा है कि अभी माँ के वस्त्र में बच्चा है और उनकी माँ करे कि बचपन में उसको मत ले जाना स्वामी ना प्राणनाथ लेकिन रुस्तम का कह रहा है आए आए कब से गौ करने की भैया बात है अरे बचपन में उसे दिल छीना सजना से हाराम बोली तहमीना और एक बात बात है रण में न ले जाना कर दो
में मत उठा ले दिया ना प्राणनाथ हमार गोद खा ले और क्या। अरे वही के सहारे मुझे जीना सजना से हराम बोली तहना शेरी कहां। इस समय मेरा विश्व में रुस्तम रुस्तम मैंने हूं। अगर मेरा लड़का कायर निकल गया तो मेरे मर्यादा को धो डालेगा। तुम क्या बतिया रही हो बीबी जान, ये बात नहीं होगा। 8 साल तक तुमको लड़का दिया जाएगा, उसके बाद लड़का रण में लड़ने खातिर के जाएगा। ओ कह रही है भाई बच्चा मेरा पेट में है और आप कह रहे हैं कि 8 साल के बाद इसको मैं अपने बड़ को रुस्तम बनाऊंगा। भैया अब देख भैया, आए बोला रुस्तम बनी बनवा। रुस्तम कह रहा जरा मेरे बात पर तू ध्यान दे, बोला रुस्तम बनी बनवा प्यारी माना मोरा जी पर धक्का मत दा। और क्या कह रहा है, लड़की पैदा हो तो उसकी फूल किसे सजाना, लड़की पैदा हो तो उसकी फूल किसे सजाना, लड़की पैदा हो तो उसकी फूल किसे सजाना। रुस्तम कह रहा है कि अगर जब लड़की पैदा हो गई तो उसके फूल के सूपे में रोपा जाए, अगर लड़का पैदा होता है तो उसके कांटे के छारा पर रोपा जाए। लड़की पैदा हो तो उसकी फूल किसे सजाना, लड़का के कांटों का छैया होगा प्यारी माना, उनका करा है रख के 8 साल भवनवा पूरा कर ले देखे बाजू बंद कहा तू सुन लेगा हमारा, देखे बाजू बंद कहा तू सुन लेगा हमारी, देखे बाजू बंद कहा तू सुन लेगा हमारी। लड़का पैदा हो तो दाई हाथ में बाधो प्यारी, लड़का पैदा हो तो दाई हाथ में बाधो प्यारी, लड़का पैदा हो तो दाई हाथ में बाधो प्यारी। रुस्तम बीज बना करके अपनी औरत को देकर चले गए। कहिए कि लड़का पैदा हो तो उसके दाहिनी भुजाएं में बांध देना, वो तबीज से कहीं बेटा बेटा रहेगा उसी तबीज से मैं उसको पहचान दूंगा। और लड़की पैदा हो तो मेरे पास चिट्ठी भेज देना कि लड़की हो गई है। और पेटे में लड़का हो ताबीज बन गई। और अपने जवान लड़ाई के मौके पर चला गया। आए छुपा के दिल में कर दिया बरसे कबाब पटिया पटिया
के देख ला है भैया। तीन दाई ऐसे ऐसे हाथ झुलावत रहे मालूम दे धुमला की कियारी गोड़त हुआ कुदार लेके चीरत भारत हुआ कथो ई कविताई है ई कविता और ई कौने कविताई में लिखल हो कि भैंस बिया बर्धा फाटे कविताई कर हलुआ बनारस न हे कैसे अरे अनजान ही मैदान जंगल शीर्षक देखे कि कवि का लिखते हैं अनजान ही मैदान जंगल फसके करी मगर गई खा जाके दामन अनजान ही मैदान लड़ाई पर चल गई ना अब इनके पेट में बच्चा पले लगल बात ही आई गई कभी को भाव कुदरत के खेल यारो कुदरती बात जो होती है वो कोई के समझ में आती नहीं कुदरत के खेल यारो सब होते हैं निराले कुदरत के खेल यारो सब होते हैं निराले पैदा हुआ जो लड़का ऐसा मालिक की मर्जी की लड़का ही पैदा हुआ पैदा हुआ जब ममता की आई आधी सोहराब नाम धर के वो बाजू बाहबाधी कहे कि ये बच्चे का नाम सोहराब है और रखे बाजू उनके कलाई में बाजी लेकिन सोच गई कि अगर जो लड़का के नाम से खत भेज दे तो ये उठा ले दिया जो लड़की के नाम से भेजब तो लड़का नाम गलत हो गया काम सोहराब नाम धर के वो बाजू बाहबाधी खतरू सरपास भेजी करके खुदा ने मर्जी प्योरी सुगर सलोनी मुझको दिया है लड़की गलत हो गया साल भरे पर पत्रिका भेजे थे तो कहते कि प्राणनाथ सब काम तो सही हो गए लड़का पैदा नहीं भल लड़की पैदा सो लड़का जब पैदा हो गए तो ममता की आधी आ गई उनके ये हो गए कि ले जाके लड़ा भिड़ा के मुआ दिए हमारे लड़का के जब लड़की लिख दे तो हरक वरा रही है हम आप लड़का लेके दिमाग में उनकी औरत के ही आ गया जब सो रुस्तम खत को पढ़ता है तो कहता क्या वाली हमारा किस्तम किस्मत पीछा दिया कि जो लड़की हो गई होना चाहिए लड़की लेकिन तेरे कुदरत को कोई जानता नहीं है होना चाहिए लड़का लेकिन लड़की क्यों दे दिया उसको भी विश्वास है कि लड़का होना चाहिए लड़की क्यों हो गई और लड़का वास्तव में हो लेकिन चिट्ठी से वाकिफ हो गया उसको कि मेरे लड़का नहीं अब देखें आगे की बात मिल गई अब लड़का घर पर पलने लगा और 20 बरस जब हो गया तो तातारी फौज में जाकर के लड़का भर्ती हो गया तातारी 20 बरस के बाद में ओ सस नदी किनार तातारी और फारसी दोनों फौज भइल तभी जो कि सोहराब था एक तातारी फौज में भर्ती हुआ और उनकर बाप जो रहे उन फारस के शेर रहे वो नेहर से दोनों जवान मुकाबले पर आ गए तातारी फौज से निकल दिया जवान लड़का रुस्तम जब देख लिया चेहरा तब बोला तुरत जब ही जवान कहता है आ जवान कोई तरफ से सेना नहीं लड़ेगी जो बड़ा पहलवान उधर का है निकल आवे यहाँ सेना कटवाने की जरूरत नहीं है मैं इधर का शेर हूँ उधर का शेर आवे दोनों शेर लड़ जाएंगे जिधर का शेर हार जाएगा उधर का पलटन लौट कर
और दुनिया के कटाने की जरूरत नहीं है। जब इधर से सोहराब आवाज दिया तो रुस्तम जब चेहरा देखता है तो कहता है बेटा मेरा नाम रुस्तम है। कहता है कि पिताजी मुझको सिखाओ नहीं, मेरा बाप का नाम रुस्तम है। मेरे बाप का नाम रुस्तम है। वो कह रहा है आज तक मुझे खुदा लड़का नहीं दिया है, मेरे पास लड़का नहीं है। बाप की फर्क पड़ी जा रही है भाई। रुस्तम कह रहा बेटा मुझको लड़का नहीं है, तुम उस फौज से निकल करके आ करके मेरे गोद में आ जाओ, तुमको गोद नामा ले ले, तुम हमारे बच्चे बन जाओ। वो कहता है एक गद्दारों का काम है जो रुस्तम के नाम पर जाकर के तुम्हारे से मिल जा, हमारा बाप रुस्तम है, उसका गद्दारों में गिनती हो जाएगी। कि बेटा बेगर लड़ने से तुम जाकर के गोद नामा ले लिया तो हम पिता से क्या जवाब देंगे। रुस्तम का माथा चक्कर मारता है कि मुझको तो लड़का मालिक नहीं दिया है। बैरो बेर कहता है कि मेरे बाप का नाम रुस्तम है। अचरी है, देखे यही होता क्या है। आए अरे रुस्तम ने कर उठा के भैया, रुस्तम ने कर उठा के किसी के साथ नहीं हट किया जाता, तुम क्यों ऐसा कर रहे बेटा, गले से लग जा। वो कहता है कैसे कह रहा है, अरे कहा तुम्हारा तो, अरे तुम्हारा तो नाना भूलूंगा। कह तू रुस्तम बन के हमार बाप बन के हम कोरा ले थे भूलवावत है, तू बगदावत हुआ। कहता हमारे लड़को ना हो और हमारे बाप के तौर हम लड़का है या ई बात ना हो, तू झूठ बोलत हुआ रुस्तम है हुआ नहीं। लोकल करा तुम रुस्तम नहीं हो, झूठ बोले हो। अरे कहा तुम्हारा, अरे हमारे नाना भूलूंगा, तुमने सही सही बतला, दर्द होता दिल में मेरे कह के तो खदिला। मेरे दिल में भी दर्द होता है कि मेरा पिता रुस्तम है, तू कह रहा है कि मेरे लड़का नहीं है, तुम हमको भुलवा रहा है, तो ये बात को मैं मान लूंगा। लेकिन एक बात तो करेर कर दिया। अभी मथुरा सरदार प्रधान जी की तरफ से 5 रुपए का पुरस्कार मिला। भैया को बार बार नमस्कार हो ले, बाप बन गया बाप। अरे भाट भाट बना दिया कि भाटों के तरह बात मत करो। रुस्तम जब भाट की बात सुन लिया तो तुरंत ही अपनी तलवार बेटा आ जा बाप, अब पीछे नहीं हटेगा, तुम मुझको भाट समझ लिया। अरे मेरा जिसमें रुस्तम नाम है आज तक मुझको कोई भाट नहीं कहा बाप। आ जा सामने, लड़का कहा आ जा बाप, मैं पीछा नहीं है तुम्हारा, मैं शेर का लड़का रुस्तम का हूं। देर देर रुस्तम कहता मेरे पास औलाद नहीं है। एक कहता तुम भट का जात मुझको फुसला रहा है। आज मौका लड़ाई का भैन सब भागत हुआ, आवाज पक्कर होगा, दोनों जवान तैयार हो गए ना, कड़क आ गया सामने। एक ढाल तलवार ले लिए और रुस्तम भाला चलाता था। भाला लेकर के जब पैतरा लेने लगा तो जरा कवि का भाव सुना हो, जाके अपने कवि से कह दिया कि अब ऐसे लिखा तो है बताए दिखाई।
अरे कहा सके जमान सारो बलवान। देखा पहला कड़ी में कौन आ गल, तब ओकरे बाद सब दरिया का छड़ पकड़ी सब है, सोना छर होगा कल से सके जवान सारो बलवान। ताई गौरा सीना तार तू सुघट सके जवान के पकारो बलवान। खींचा भाले को तम थोड़ा खाया नहीं कम, धीर भीर ताही हाथ थोड़ा हट रंग में। दारी की कैसी के दुकानदार, खींचा भाले को तम थोड़ा खाया नहीं कम, कबीरता ही तुम थोड़ा हट गया। जब भाला चलने लगा तो थोड़ा सा पछिया गया जवान, को बचा जो तुमने भाला उठाए। भाला फिर ही उठा लिया, गायावार को बचा जो तुमने भाला उठाए। दौलत दिया चला दोनों साथ जंगल में, घूमा भाले से रुकम भाटा पाचा लिया तन ढाल पर कर झन भाटा पाटा जो पिता को अपने पति को सही चिट्ठी नहीं दी थी। बेटा कहता कि मेरे बाप है और बाप कहता कि मेरे लड़का नहीं है। अभी तक वो अपने औरत के बात पर रह गए। अब इधर दोनों दौरान में छच्छा वार चला लेकिन किसी को चोट आया नहीं। रुस्तम कह रहा है आए बेटा एदवा मेरे भाला को अगर बचा लेगा तो मैं समझूंगा कि तुम अच्छे खिलाड़ी। कह रहा है आ दादा बुढ़वा चलाओ न तू। खिलाड़ी था उनसे बड़ा रुस्तम था, जबकि वार करते हैं तब उन्होंने प्रिया दूरी से पैतरा लिया और कभी भाव का लिया आए यही में पाप हो यही दहिया में और यही दहिया में पुण्य हो, यही दहिया में अमृत हो यही दहिया में जहर। जहर हम निकाल देंगे एक जने के गाड़ी दे अभी दस गाड़ी देंगे तो क्या मार कर बहन चौदह के मुआद सारे के तो देखा जाए जहर होगा। अब क्यों गाड़ी में तो भैया मत मारा वाल जाएगा तो वो अमृत होगा। हम दोनों तोड़े पल्ले तू कहां खोजा था अमृत जहर सब तोड़े पल रहा हूं। अब देखे जब उस समय उसके गुस्सा आ गया तो गुस्सा में जवानों का आधा ताकत हो जाता है। इतना गुस्सा के मारा कि इतना के भाले से लड़का बच नहीं पाएगा। होता क्या है अरे मारा रूपा।
का हम सब है बिरैया भैया, हम सब है करताल और ढोल, एक बाद कुछो ले के। और आजकल का बिरैया हम तो देखा था काले में चेहरा था ओकर ना जाना था बंदूक बतावा ले उन्हें कौन शेर मारा के यहाँ है लेके दौड़ल है। ये ना सोचने होंगे कि लेकर के बनारस वालों के दिखाई कि हमारे बंदूक है, बतावा तू गायन हुआ तो वहां बंदूक लेके चढ़ा चाहे कि ढोल कर पार लेके तू गजा था देखा भवा तू तो पकड़ाबा करबा हम के पकड़ा दे तो समझी देंगे कि दकई था नहीं सर रात बिरात के काम हमारे सबको बतला ना हा। और तू गाड़ी से लेकर बंदूक चलवे तो तू तो मराइबा करवा हम लोग को बजियत बात छोड़ावे बात से तू बंदूक रख दे ऐसा काम करिया और समझा कहे तो रात के ना देख लो ग्यारह बजे अगर तो देख ले तो जिया छोड़ते ना यहाँ के प्रोग्रामों भी लोग बंदूकियों ले लेते और तो आपको बहाना कर कि ऊपर आपको बहाना तो बतला बाहे भैया जबकि हम मुहे के बड़ी घड़ी गिर गए भाला लंबे छटे दल तब न खुला दरे रखो सोहरा कहला है बुढ़वा दादा अरे गिर क्यों गया इतना तेज भाला नहीं चलाया जाता तुम तो भाले से साथ में गिर गया तब सोहरा के का कहते रुस्तम मारा नहीं गर्दन उतारा नहीं चाहता पैर सही मार देता और मर गया लेकिन मारत नहीं सोहरा मारा नहीं गर्दन उतारा नहीं कंधा पकड़ कर कहा नीची नजर कर कहा क्या तुम रुस्तम हो भारत के शेर भट्ट हो जब कहे तुम्हें भारत के शेर भाग बनाए हुए मर्दे भाला के संग गिर जा तुम्हें बेटवा रुस्तम पछिया गया आ बेटा जवान को संभार ले रुक जा बेटा। जब दोनों जवान ने कहा दादा मैं रुका हूं आप चलाइए तो कहा बेटा मैंने तुम्हारे ऊपर कई बार चलाया जरा तू भी तलवार मेरे ऊपर चला के दे। सोचलन की तलवरिया जब चलाई तो हम तो पुराना लड़वैया भाई भाई नीचवा से भोंक दे भल हुए हमारे रह जाई। अच्छा भैया वो नहीं पैतरे में हुआ तो रुस्तम कहा अच्छा हमरे अवार के आप रोकिए दादा मैं तो चलाया नहीं तेरे सोहराब का तेरे अवार को मैंने रोका था अब मेरा अवार चलेगा आए सजल लहर उ छटक के टूट गई सोहराब का। और सोहराब जब तलवार से मरने तो सोचने की बुढ़वा के मारम में नहीं मर जाई तो उनके पगड़ी पर मार दे उनकर पगड़ी चाह तो गर्दन काट देते लेकिन पगड़ी गिरा ले और तो सोचने सही घेघवे मारी लेकिन बगले चल गल का अरे सोहराब की तो कवच टूट गई उनकर जान छोड़ देखाओ तो अपना रुस्तम 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 कर करके आवाज देने लगा बाल रुस्तम अपने ही नाम को सुन रहा है कौन रुस्तम है आज रुस्तम की शेरी।
लेते हुए भाला लेते हुए पछिया गया। रुस्तम 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 जब चिल्लाने लगा तब सोहरार सोच गया कि मेरा बाप है, अब इसको मारना ना चाहिए। अरे नमा सुना पिता वहां सोहराब बैठा हाई जमा तलवार लेके खड़ा हो गया ढाल तलवार। रुस्तम तो कुछ दूरी पर अपना लेकर के भाला भाजक हुआ तो कहला अब न मारब दादा तो के तू हमार बाप हुआ अब जान गई रुस्तम रुस्तम चिल्ला देगा तो अब हम तो के ना मारा और उन तो वही भाला भजता हूं घबरा मत अपने पैतरा पर वो हो कहा अरे न मारा सुने एकदम ऐसे ही चौचक खड़ा हो गया बजे कर दिया एकदम ऐसे ही चौचक खड़ा जब हो गई तब सोचे लग रहे कि मेरी माँ कहे जी कि अपने बाप से लड़ा ऐसा सोचे थो तब से भर का अरे गिरा गया तेगा और गिर गई तलवार गिरा गई ढाल और गिर गई जब ढाल तलवार सोहराब के हाथे से गिर गए अरे हमर रुस्तम गायल मुकरा तैयार ऐसे खड़ा है एक तरफ ढाल गिर गई एक तरफ तलवार गिर गई और सबसे पछिया के रुस्तम का करतों की सीधे भाला ही तेगा चक्कर में पड़ गया कि ये लड़का कहता क्या है फिर भी कैसे कह हुए आए आए हुला दिए तेगा उनके फतिया ने कहा बेटा सुनो बाप चनिया हमारे नाह गौला हम नाह तकरार करके हमसे मर गया तू अरे सुन के बचनिया सोहरा बोल जान मारा हमारे पिता या कया न मारा तू थोड़े मरला हमारे बाबू का नाव हम तो तोहरे हस्ती कहा रहा है बूढ़ा राम जहां हो तो लेके भाला साला ढंगलात रहा है ये हमारे बाप का नाम हमके मरने से तू नहीं मरा हमारे पिता का या नाम रहे बेटा का मरनिया जाति सुनी है बाबा रूपये तू एक चक्कर में मत रैया भटऊ धोखे बजऊ हमार बाबू जब सुन रही है कि धोखे से हमार लड़का मारल हो तो तुहार दुनिया में रहाई ना अरे बेटा की मरनिया जाति सुनी है बाबा रूपये के आदम के तो आईसी बचनिया सुना हो बाबा अब ही तक लड़का नहीं देहा खुदा बेटा तुम कहो कि मेरे बाप रुस्तम है और तुमको मुल्क के आदम को पहुंचा देंगे और अभी तक औलाद मुझको खुदा नहीं दिए कह रहा है तुम पिता हो ठहर जाओ अब वो कह रहा है कि भाला को निकालना मत अगर भाला खींच लोगे तो मैं मर जाऊंगा भाला ऐसे चाहते रहो ये जब तक भाला मेरे शरीर में रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे बाप को सुन लो एक बढ़ता क्या है कहे कि मेरे बाह को छोड़ दो
दोनों बाप को दबा करके भाला चुभा करके सीने पर चढ़ के बात होता है। वो कह रहा है आज जवान मेरे बाह को छोड़ दिया जाए। तो रुस्तम ने क्या किया, बाह को छोड़ दिया और सुहराब का आक्रत हम आए जब खोल के बाजू बंदा थमाता है दाहिनी हाथ में बधा हुआ है, जब ऐसे सामने देखता है तो कह रहा है कि इस पर तो मेरा ही नाम सोहराब रखा है, ये तो मेरे हाथ की तबीज बनाई है। अरे गले से लगा के चूम लिया छतिया, गले से लगा करके तब रोने लगा। आ बेटा मुझको अपना दिल पर मिला तो भी मेरे हाथ ही इसको मैंने मार डाला, तेरी मां उसको क्या कहेगी। और होता है उसी समय सोहराब का कि पिताजी जवानों का काम रोने का नहीं है, रो नहीं नहीं भाला से दुख नहीं है, लेकिन तू रोता है तो मुझको दुख होता है। अरे रुस्तम उठाया क्या चूम लिया छतिया, और कहने लागे सुना बेटा मान नहीं बखरिया। सब कुछ करिया लेकिन एक बात हमार मत करिया, हमारे माई के मट्टी का खबर मत दिया, मट्टी का खबर मेरी माँ को मत देना, नहीं मेरी माँ देख लेगी इस हालत में तू मर जाएगी। तू मेरी लाश को चिस्ता में ले जाना और चिस्ते में लाश दफना करके उसके कब्र के ऊपर पत्थर रख देना, उसके पत्थर पर लिखवा देना कि सोहराब इसमें सो है नहीं, सोहराब इसी में सोया। मट्टी देने के बाद जब मेरी माँ आएगी तो उसके पर पर संतोष कर लेगी, जब अपने औलाद को माँ भाला देखेगी तो मेरी माँ मर जाएगी। पिताजी अरे मेरी लाश को पिता चिस्ता में ले जाना, कब्र के पत्थर के ऊपर अरे उस पर लिखा